तो मामा ने लाटा तो रेसो राजस्थान की बाड़मेर सीट प्रदेश की 25 लोकसभा सीट में से सबसे सुपर हॉट बन गई है। इस सीट को सुपर हॉट बनाने वाले निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी अब एक नए विवाद में फंसते दिख रहे हैं। विवाद भी ऐसा जिसे लेकर उनके विरोधी उन पर देशद्रोही होने तक के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। हालांकि भाटी की ओर से इन आरोपों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन उनके बचाव में समर्थक जरूर सक्रिय हो गए हैं। भाजपा प्रत्याशी कैलाश और कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदा राम को टक्कर दे रहे निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ नया विवाद चर्चा में है। दरअसल भाटी के विरोधी उनकी एक पुरानी तस्वीर वायरल कर उन पर देशद्रोही होने तक के आरोप लगा रहे हैं। जिस तस्वीर पर विवाद छिड़ा हुआ है वो रविंद्र सिंह भाटी के पूर्व में हुई एक विदेश यात्रा के दौरान की है। इसमें उनके साथ दिव्येश आनंद नाम का एक शख्स नजर आ रहा है। विदेश दौरे के दौरान रविंद्र भाटी की एक तस्वीर में उनके साथ दिखाई दे रहे शख्स का नाम है दिव्येश आनंद। दिव्येश यूके के लंदन स्थित वेस्टमिंस्टर विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के रीडर हैं। भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को लेकर उनकी विचारधारा से उन्हें अलगाववादी एक्टिविस्ट होने के आरोप लगते रहे हैं। यही नहीं, दिव्येश आनंद की पत्नी निताशा कॉल के भी ISI के लिए काम करने की बातें सामने आई हैं। पुरानी तस्वीर और मुलाकात के आधार पर रविंद्र भाटी पर उनके विरोधी उनके देशद्रोही तक होने के आरोप लगा रहे हैं। इस पर भाटी ने तो कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं की है, लेकिन उनके समर्थकों ने उनके बचाव में मोर्चा जरूर संभाल लिया है। विरोधियों के हमलों को खारिज करते हुए भाटी समर्थक इसे लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें बेवजह बदनाम करने की साजिश करार दे रहे हैं। रविंद्र सिंह भाटी को लेकर ये ताजा विवाद अचानक से इस कदर चर्चा का विषय बन गया है कि सोशल मीडिया पर कई कैंपेन ट्रेंड करने लगे। रविंद्र भाटी और आएगा तो भाटी ही जैसे समर्थकों और विरोधियों के कई कैंपेन ने इस विषय को ट्रेंड पर ला दिया है। गौरतलब है कि इस मुकाबले में फंसी इस सीट पर तीनों ही प्रत्याशियों की स्थिति मजबूत है, जिस कारण से यहां का मुकाबला और उसके नतीजे दिलचस्प रहने की उम्मीद है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।